अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ नदीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटो कैड ड्राइंग इन्फो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पंप्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि पंप्स कितनी किस्म के होते हैं और पंप्स के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, पंप हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, पंप्स को हम किस तरह लगा सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनके क्या सिस्टम होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के दबाएँ, घंटी को लाजमी दबाएँ और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें, थैंक यू। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पंप्स एक मैकेनिकल डिवाइस है, ये देखें, बेसिकली पंप्स एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये दो किस्म के होते हैं, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप और मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिंगल स्टेज को सिंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एम्पेलर लगा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो पंखा है ना, इसको एम्पेलर कहते हैं, पंखा, इसलिए इसके अंदर एक एम्पेलर होता है, इसको सिंगल कहते हैं। जो मल्टी होता है, मल्टी का मतलब ज़्यादा, उसके अंदर तीन या चार एम्पेलर लगे होते हैं तो उसको हम मल्टी सिंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। अच्छा, अब पंप्स क्या है? पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि आउटलेट वाल से इनलेट वाल के ज़रिए प्रेशर को बढ़ाता है और हवा का दबाव बढ़ाता है, प्रेशर को कम करता है और इसे हमारी प्रोडक्ट को आगे इजाफा करता है। तो ये जो आप पंप देख रहे हैं, ये काफ़ी जगह पर यूज़ होता है, ये स्टीम टरबाइन के अंदर यूज़ होता है, बॉयलर वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, अलाइनमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। इनके अलाइनमेंट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अलाइनमेंट किस तरह करते हैं, अलाइनमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, कितने क्या क्या फार्मूला होता है उसके लिए। तो एम्पेलर और इसके अंदर आउटलेट वाल्व। अच्छा, जो इसकी केसिंग होती है ना सिंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप की, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से आउटलेट वाल और इनलेट वाल का भी यही रास्ता है, यहाँ से हवा दाखिल भी होगी और बाहर भी यहाँ से जाएगी। जब हवा यहाँ से अंदर दाखिल होगी तो ये इन पंखों के अंदर दाखिल होगी और इस पंखे जो एम्पेलर लगा हुआ है ये इसको घुमाएगा, हवा का प्रेशर बढ़ेगा और हवा का प्रेशर बढ़ेगा और आगे एनर्जी में इजाफा होगा। यहाँ से ऐसे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से बाहर जाएगा, वहाँ से हवा आएगी, यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये होता है। और ये जो आप देख सकते हैं छोटी सी ये लगी हुई है गोल सी एम्पेलर के अंदर, ये इसको एम्पेलर की आई कहते हैं। और ये जो केसिंग बाहर है इसको ड्राइव शाफ्ट कहते हैं और बुकेट वाल्व कहते हैं। और ये वैल्यूड केसिंग है और ये वैल्यूड चैम्बर है जिसके अंदर हवा आती है और बाहर दाखिल होती है। ये पंखा एम्पेलर और ये आउटलेट चार, मतलब कि आउट अंदर भी आएगी और बाहर भी दाखिल होगी। तो ये पंप्स हैं। तो स्टीम टरबाइन के अंदर भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, अपने मकदार को, अपने काम को मोटर के साथ अटैच करते हैं ताकि उसका भाव तेज़ हो, पानी ज़्यादा करे। अगर किसी जगह पे हमने पंप्स लगाए हैं तो उसकी एनर्जी में इजाफा नहीं हो रहा तो हम मल्टी स्टेज का पंप लगा सकते हैं जिससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट पैदा होती है जो कि गियर के साथ होती है, एक अलाइनमेंट शाफ्ट होती है उसके ज़रिए इसकी शाफ्ट होती है। और इसको इसके अंदर पंखे बहुत मज़बूत किस्म के होते हैं और मैं भी ऑटो कैड सिंगल स्टेज जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको मैं ड्रा भी करूँगा, आप लोग और भी देख सकते हैं। ये देखें, ये भी मैंने डायग्राम देखी है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिटेल है। अब मैंने जो पहले बताया था कि इसकी शाफ्ट बॉक्सिंग की जाती है, इसके अंदर अलाइनमेंट वगैरह की जाती है, तो उसका वो सारा डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे होता है। ये देखें, ये अलाइनमेंट की, ये आप लोगों ने यहाँ सेंट्रीफ्यूगल सिंगल स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे ये सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है और ये मोटर, या इसको हम गियर भी कह सकते हैं, मोटर भी कह सकते हैं, ये हो गई है। अच्छा, ये कपलिंग, ये जो आप देख सकते हैं कपलिंग, इन दोनों की कपलिंग की गई, कपलिंग लाजमी होती है। कपलिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम दो चीज़ों को आपस में अलाइनमेंट करके जोड़ते हैं, मतलब कि लेवल पर रख के जोड़ते हैं, उसको कपलिंग कहते हैं।
और ये इलेक्ट्रिक मोटर आप देख सकते हैं, साथ इसके अटैच की गई है कपलिंग की गई है, और ये इसका बेस प्लेट है जिसके ऊपर इन दोनों को रखा गया है, फिट किया गया प्लेट के ऊपर, और ये कपलिंग गार्ड है जो इसके ऊपर केसिंग होती है ताकि कपलिंग अगर चलते हुए कोई टूट गई तो उसके अंदर मसला नहीं आएगा। और ये स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स, अच्छा हाँ अब ये बात आती है, स्टफिंग बॉक्स एक ऐसा मैकेनिकली पुर्जा है जो कि इम्पेलर के अंदर साइड पे लगा होता है और इसको धक्का दे के अपनी ताकत धक्का दे के आगे उसको पुश करता है जिससे केसिंग मिटती है और आगे काम चलता है। और ये देख सकते हैं आप लोग केसिंग वेंट है ऊपर लगा हुआ है, केसिंग सेफ्टी डिस्चार्ज लिक्विड, यहाँ लिक्विड डिस्चार्ज भी होगा और बाहर भी जाएगा, ये केसिंग है, ये इम्पेलर पंखा लगा हुआ है, ये सक्शन लिक्विड इनलेट, यहाँ से इनलेट होगा, वहाँ से डिस्चार्ज, यहाँ से इनलेट, और ये केसिंग ड्रेन है इसका नीचे वाला पोर्शन ऊपर लगा हुआ है, और ये बेस प्लेट ड्रेन है, ठीक है। इसके अंदर स्टफिंग बॉक्स लगा हुआ है वो मैंने आप धक्के से चलता है वो इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, और ये केसिंग वेंट है, इसके अंदर अलाइनमेंट की गई है, अलाइनमेंट का फंक्शन बहुत ईजी है, आप लोगों को किसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा अलाइनमेंट क्या होती है, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये भी सिंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसके अंदर इन्होंने वाजे तौर पर मैंने दिखाया गया है कि इसके अंदर ये इम्पेलर है इसका पंखा जो घूमता है, हवा को तेज़ करता है, हवा के प्रेशर को बढ़ाता है, और आगे फिर प्राइम मूवर शाफ्ट के अंदर आगे डिस्चार्ज कर देता है, यहाँ से हवा सक करता है, वहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। और ये इसकी आँख है, और ये इम्पेलर, और ये वॉल्यूट चैम्बर एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर मुकम्मल नक्शे को फिट किया जाता है, जो बाहर से बंद होता है अंदर से ओपन होता है, मतलब कि मुकम्मल जिसके अंदर इम्पेलर घूम सकता है, ठीक हो गया। हाँ ये देखें अब ये इसका मुकम्मल इसके अंदर डेटाबेस है, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से इनलेट हो रही है, वहाँ से आउट, ये इम्पेलर, यहाँ से हवा, यहाँ अंदर जाएगी, इसके अंदर हवा जाएगी, यहाँ से ये जो इम्पेलर पंखा जिसे कह सकते हैं आप लोग पंखा, ये घूमेगा, हवा की एनर्जी को बढ़ाएगा, और यहाँ से हवा फिर ऊपर जाएगी, फिर अगर जो हमारा प्रोजेक्ट लगा होगा उसके अंदर हवा दाखिल हो जाएगी, वो एनर्जी को बढ़ाएगा, लिक्विड इसके अंदर होते हैं उसको बढ़ाएगा, और जिससे हमारी फिर आगे प्राइम मूवर शाफ्ट के ज़रिए एनर्जी बाहर दाखिल होगी और आगे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पंप्स का सिस्टम होता है, मल्टी भी इस तरह काम होता है, मल्टी के अंदर भी एम्पेलर लगे होते हैं, उसके अंदर स्टफिंग बॉक्स होता है, शाफ्ट की होती है, हब होता है, उसके अंदर बहुत सिस्टम होते हैं, वो भी एक ही है लेकिन थोड़ा बहुत तरीका उसका मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बारी बारी करके सारा कुछ समझाऊंगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।